मिडिल ईस्ट में युद्ध के खतरे के बीच ईरान ने बड़ा कदम उठाया है, जिससे तस्वीर साफ हो गई है कि अब युद्ध होकर रहेगा। दरअसल ईरान ने वेस्टर्न एयर स्पेस को इस्तेमाल न करने को लेकर एडवाइजरी जारी की है, जिसने हमले के खतरे को और अधिक बढ़ा दिया है। इससे पहले इस्लामिक क्रांति के सर्वोच्च नेता अताउल्लाह सैयद अली खमैनी ने युद्ध में दुश्मन की रणनीति के बारे में चेतावनी देते हुए कहा था कि उनका प्राथमिक लक्ष्य भय पैदा करना और देशों को पीछे हटने के लिए मजबूर करना है। हानिया की हत्या का बदला लेने के लिए जल्द करेंगे हमला, इजरायली रिजर्व ड्यूटी लेफ्टिनेंट कर्नल एलोर एवेटर ने कहा है। ईरान और हिजबुल्ला इस्माइल हानिया की हत्या का बदला लेने के लिए जल्द हमला करेंगे। ईरान और हिजबुल्ला की ओर से जवाबी कार्रवाई फिक्स है, इसे टाला नहीं जाएगा। हालांकि ये हमला कब होगा इसकी तारीख अभी तय नहीं है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ईरानी हमले को टालने को लेकर बयान दिया था। उनका कहना है कि गाजा और इसराइल के बीच संघर्ष विराम ईरानी हमले को टाल सकता है। जो बाइडेन ने कहा कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में अपना बाकी समय मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित करने पर केंद्रित करेंगे। अमेरिका जितना शांति की बात कर रहा है, उतना ही वो ईरान और हमास को लेकर अपनी मिडिल ईस्ट में तैयारी भी कर रहा है। अमेरिका ने हाल ही में इसराइल को 20 अरब डॉलर के खतरनाक लड़ाकू विमान, मिसाइलें और 50,000 से ज्यादा गोले देने की डील मंजूर की है। इसके बाद से मिडिल ईस्ट में महाजंग छिड़ने की आशंका और बढ़ गई है, क्योंकि अमेरिका के ये घातक हथियार ईरान समेत कई देशों में तबाही ला सकते हैं। इसराइल के साथ मैदान में उतरा अमेरिका। अमेरिका ने अभी तक इसराइल को 18.82 अरब डॉलर के 50 घातक F-15 फाइटर जेट, 102 मिलियन डॉलर के लड़ाकू विमानों के लिए हवा से हवा में मार करने वाली 30 एडवांस मिडिल रेंज मिसाइलें, 774 मिलियन डॉलर के 33,000 टैंक और कारतूस, 583 मिलियन डॉलर कीमत के सैन्य वाहन, 61 मिलियन डॉलर के मोर्टार कारतूस दिए हैं। हालांकि इसराइल को बचाने के लिए अमेरिका पहले ही अपने F-22 राफ्टर फाइटर जेट, एयरक्राफ्ट कैरियर और परमाणु पनडुब्बी भेज चुका है, और अब नए हथियारों और गोला बारूद का जखीरा देकर बेंजामिन नेतन्याहू के हाथ मजबूत कर रहा है। मिडिल ईस्ट में तेजी से हालात बिगड़ रहे हैं। हमलों से बचने और माकूल जवाब देने के लिए जो बाइडेन हथियारों की खेप भेज रहे हैं। अरबों के हथियार अमेरिका पहले ही नेतन्याहू के लिए भेज चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।